कर्मणे। ओम शांति शांति शांति। पंचदशी ग्रंथ के 86 नंबर श्लोक हुआ, सप्तम प्रकरण में 86 नंबर हो गया कि परमात्मा का जो ज्ञान हुआ होता है और उपाधि को लेकर होता है। किसको लेकर के? उपाधि को लेकर के ज्ञान होता है। 87 नंबर, विधेरिव निषेधस्यापि ब्रह्मबोधो उपायत्वेन ब्रह्मोपाधित्वं दढयितुं विधि निषेधयोर उभयोरपि ब्रह्मबोध उपायत्वं आचार्यैर निरूपितम् इति दर्शयति। ठीक है, कहते हैं विधि, विधि मतलब क्या है? भाव रूप धर्म। विधि का अर्थ भाव रूप धर्म, और निषेध है अभाव रूपी धर्म, है ना? ये दोनों ब्रह्म ज्ञान का उपाय है, ब्रह्म बोध का, बोध ज्ञान साक्षात्कार, उसका उपाय कौन है? उपाधि। कौन उपाधि? एक विधि, दूसरा होता है निषेध, भाव रूप विधि और अभाव रूप विधि। ठीक है ना, नहीं, भाव रूप धर्म और अभाव रूप धर्म। ठीक है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये भाव हो गया, सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व, बराबर है। और निषेध मुख से क्या होता है कि जो है अप्राणो अमनो, इस प्रकार से होता है, नेति नेति, ये सब निषेध मुख से होता है। ठीक है, इसलिए दोनों ब्रह्मभूत का उपाय है, इसलिए ब्रह्मो उपाधितम दढ़ितम, इसलिए ब्रह्म में उपाधि है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं विषय निषेधयोर उभयोरपि ब्रह्मबोध उपायत्वम, ब्रह्मबोध का उपाय कौन है? विधि है कि निषेध? दोनों है, विधि, हाँ विधि भी और निषेध। इसको आचार्य ने भी निरूपण किया, आचार्य ने भी निरूपण किया, इसको दिखाते हैं, दर्शयति। 87 नंबर, तद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च, साक्षात विधि मुखेन च, मुझे थोड़ा झुकना पड़ रहा है तो ये दर्द होता है, इसलिए मुझे झुकना पड़ रहा है ना, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। हम बाद में ले आएंगे, अभी तो चलने दो, ज़्यादा नीचे करेंगे तो ये होगा ना, ऐसा करेंगे, ऐसा झुकना नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो उसमें बैठेंगे तो वो होगा, उसमें भी वो थोड़ा ऊंचा है, अब देखते हैं, अब लाएंगे देखेंगे, बाद में पाठ हो जाएगा। देखो अत, श्लोक श्लोक चल रहा, श्लोक चल रहा है ना, अतत व्यावृत्ति रूपेण, अतत व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च, साक्षात विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्तिः स्यात्, वेदांतानां प्रवृत्तिः स्यात् विधेत्याचार्य भाषितम्, विधेत्याचार्य भाषितम् अतद् व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्तिः स्यात् विधेत्याचार्य भाषितम्। देख तो कहते हैं वेदांतानाम प्रवृत्ति स्यात्, वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति होती है ज्ञान के लिए, किसके लिए? ज्ञान के लिए। लेकिन किस कैसे, मतलब अतद व्यावृत्ति रूपेण, रूप का अर्थ उपाय,
और तद व्यावृत्ते तत्कार्थ ब्रह्मा, ठीक है। हाँ ना तत इति अतत, मतलब क्या हुआ, जो ब्रह्म से भिन्न हो, ठीक है। ब्रह्म से भिन्न जो है उसके व्यावृत्ति के रूप से, है ना, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, समझ में ना, इसको कहते हैं अतत व्यावृत्ति। अतत व्यावृत्यायम चकितम अभिधाते श्रुतिरपि, श्री मेमना सूत्र में है कि नहीं, ये परमात्मा का बोध कराती है श्रुति अतत व्यावृत्ति के रूप से, नेति नेति के मुख से, बराबर है। और कहीं कहीं साक्षात विधि मुखे न च, साक्षात विधि क्या है, भाव रूप धर्म, वो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म चित है, ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म अनंत है, इसको कहते हैं साक्षात विधि, समझ में ना, ये भी उपाधि है, क्या समझा, ब्रह्म सत्य कहने से उसमें सत्यत्व की धर्म होगा ऐसा नहीं, असत्यत्व को निवृत्त करने के लिए वो सत्य बोला जाता है, ये भी सब लक्षणा से होती, क्या शब्द शब्द के भी शब्द सत्य शब्द का भी प्रवृत्ति सीधे नहीं होती, वो भी लक्षणा से होती है, वास्तव में। हाँ इसलिए ब्रह्म का कोई चेत जड़ ना समझे, इसलिए बोल दिया चेतन, कोई परिच्छन्न न समझे इसलिए उसको बोल दिया अनंत, आगे समझ में। ये है साक्षात विधि मुखेन च वेदांतानाम प्रवृत्ति स्यात, है ना। हाँ इले विधा इति, द्विधा द्विधा, इले क्या दो प्रकार से प्रवृत्ति, द्विधा प्रवृत्ति ऐसा न करो, इति द्विधा प्रवृत्ति ही, किसकी प्रवृत्ति, वेदांत प्रमाण, उपनिषद वेदांत है, वेदांत प्रमाण की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती, किसके लिए, ब्रह्म का बोध के लिए, किस रूप से, एक कह दिया अतत व्यावृत्ति, दूसरा कह दिया साक्षात विधि मुख से, लग गया। इति आचार्य भाषितम, ऐसा आचार्य ने कहा है, ठीक है, इसलिए प्रामाणिक है ये। देखो टीका है नारायण, अतत व्यावृत्ति कहा, आवाज आ रही है ना आप लोगों के पास, क्योंकि आवाज इधर बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। अतत व्यावृत्ति रूपेण, एक एक शब्द का अर्थ बोल रहे हैं, ठीक है कह रहा, तो न तत इति अतत, न तत्पुरुष समास हो गया अतत, भाई तत् मत से क्या है, तत् शब्द से, तत् शब्द ना ब्रह्म अविधीयते, मतलब श्लोक में जो अतत में जो तत् शब्द आया वो तत् शब्द से क्या कहा जाता है, ब्रह्मा, ठीक है। और अतत् शब्द से क्या हुआ फिर, तत् अतिरिक्तम, ब्रह्म से अतिरिक्त क्या है, प्रपंच, प्रपंच कौन है, कारण है कि कार्य है, दोनों दोनों, अज्ञान है कारण, उसका प्रपंच है कार्य, ये सब दृश्य ले लो, समझ में ना, ये अतत का अर्थ ब्रह्म से भिन्न अज्ञान आदि, अज्ञान अज्ञान का कार्य प्रपंच है ना, इसका जो है निराकरण करता है शास्त्र। देखो लिखते हैं यहाँ पर, व्यावृत्ति मतलब क्या है, निरसन, हटाना, कैसे हटाओगे, विचार से, और कैसे हटाओगे, शब्द मात्र से तो नहीं होगा ना, है ना, शब्द भले ही सुनोगे लेकिन आपको तो विचार करना पड़ेगा ना। देखो लिखे यहाँ पर, शोधन, शोधन इसको कहते हैं शोधन, नेति नेति, हाँ नेति नेति इत्यादि व्यावृत्ति निरसनम, इस प्रकार व्यावृत्ति को बोलते हैं निरसन, व्यावृत्ति का अर्थ क्या हो गया, निरसन हटाना, ठीक है नारायण। देखो न इति न इति कितना बार का, दो बार का, न इति न इति इसको कहते हैं व्याकरण में विप्सा,
क्या बोलते हैं? विपसा। कार्षणेना संबद्धुम इच्छा, इसको कहते हैं विपसा। कार्षणेना संबद्धुम इच्छा, बोले संपूर्ण सबको कहना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, सबको लेकर के कहने को बोलते हैं क्या है? विपसा, है ना। हाँ, जहाँ पर विपसा होती है वहाँ पर दो बार उच्चारण होता है व्याकरण के अनुसार। जैसे देखो लिख दिया वृक्षम वृक्षम सिंचते जलम, क्या वृक्षम वृक्षम सिंचते जलम, तब वृक्षम वृक्षम कितने वृक्ष है? दो वृक्ष नहीं, पूरे वृक्ष, पूरा वृक्ष। वृक्षम वृक्षम कहने से ऐसा नहीं कि दो वृक्ष है, ये विपसा है। मतलब पूरे वृक्ष को क्या, वृक्ष में क्या करता है? जल की सिंचाई करता है। वृक्षम वृक्षम सिंचती जलम, है ना। हाँ, मंदिरम मंदिरम गच्छति भक्त, समझ में आएगा? आया। हाँ, पहले कुछ महात्मा लोग होते हैं सुबह निकले तब शाम को लौटेंगे, क्या करेंगे मालूम है? भगवान का दर्शन करेंगे, जहाँ पर महादेव दिखा वहाँ पर जल चढ़ा दिया। कितने महादेव है काशी में, गिन नहीं पाओगे। कोने कोने में महादेव है, जहाँ पर महादेव देखा जल डाल दिया, बेलपत्ता डाल दिया, बाय जहाँ भूख लगेगी नारायण हरि कर दिया, दो रोटी खा लिया, फिर आगे चल दिया, लौटेगा शाम को बाय सो जाएगा। फिर इससे बड़ी साधना क्या है? तब मंदिरम मंदिरम गच्छति साधु हो भक्त, ये हो गए भिप्सा। इसी प्रकार नायते नायते, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, मतलब सबका यहाँ पर निराकरण हो गया। जितने भी दृश्यमान जगत है अनात्मा, सबका निराकरण हो गया कि नहीं, इसको कहते हैं अतत व्यावृत्ति। हो गया ना तत् अतत, इसका आगे लिखे हैं देखो ना तत् अतत तस्य प्रपंच। जो अतत कौन हुआ? तद हो गया ब्रह्म, और अतत हो गया कौन? प्रपंच। तस्य प्रपंचस्य व्यावृत्ति, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, अतत हो गया प्रपंच, है ना। हाँ, और उसकी व्यावृत्ति, व्यावृत्ति का अर्थ निरसन, हटा देना। क्या है? हटा देना। ये हटाओगे तो बुद्धि से हटाओगे, लेकिन बुद्धि तो रह जाएगा। अरे नहीं, बुद्धि भी दृश्य है क्या? हाँ, क्योंकि मैं बुद्धि को भी जानता हूँ। पहले तो आप बुद्धि से हटाओगे कि घट पटा दी आत्मा नहीं है कि नहीं, किसी प्रकार शरीर को भी हटाओगे, इंद्रियों को भी हटाओगे, लेकिन बुद्धि को कैसे हटाओगे? बुद्धि को भी हट जाए, क्योंकि बुद्धि भी दृश्य है, क्योंकि आप साक्षी हो ना। क्या साक्षी हो तो बुद्धि के बिना आप प्रकाशित हो कि नहीं, कि बुद्धि से आप प्रकाशित हो? हाँ, अरे मेरे से बुद्धि प्रकाशित हो रहा है, इसलिए मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो ये भी अतत व्यापृति होगी, समझ में आएगी नहीं? ये तात्पर्य ठीक है, ऐसा जो स्वरूप है वही तो साक्षी है, हला लग गया। तदेव रूपम, श्लोक में जो रूप आया ना, रूप का अर्थ उपाय, अतत की व्यावृत्ति करना, यही हो गया उपाय। किसका उपाय है? ज्ञान का। इसलिए कहते हैं रूप का अर्थ उपाय तेना, लग गया। ये किसका अर्थ हुआ? पहला अर्थ हुआ, पहले शब्द का, अतत व्यावृत्ति रूपेणा, सुनते कि नहीं। दूसरा शब्द क्या है श्लोक में? साक्षात विधि मुखेना, इसका अर्थ देखो। साक्षात विधि मुखेना च, इसका व्याख्यान है आगे। विधिर विधानम, विधि का अर्थ विधान करना, समझ में ना। विधान करते हो शब्द का। साक्षात वाचक शब्द प्रयोग, ये देखो यहाँ पर कह रहे है ना, साक्षात जो वाचक शब्द है परमात्मा का, क्या समझ में? साक्षात वाचक शब्द है, ऐसे शब्द का प्रयोग को बोलेंगे, शब्द का
प्रयोग को बोलेंगे साक्षात विधि विसाक्षात साक्षात विधि, समझ में कि नहीं, साक्षात विधि ये हो गया। किसका अर्थ हो गया कि साक्षात वाचक शब्दों का प्रयोग कौन करेगा, आचार्य करेगा। ब्रह्म का स्वरूप सत्य है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ज्ञान है, ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, भाषण में ऐसा कह रहे हैं। ये भी लक्षण से, ये भी लक्षण से, ठीक है। लक्षार्थ हो गया परब्रह्म, शब्द हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम, हो गया कि नहीं, इत्येवम आदि रूपः, है ना। तो ये भी एक उपाय हो गया, तेन च विधि मुखेना मतलब तद्वारेणा, ठीक है। मुखों का अर्थ होगा द्वार, साधन। इस साधन से भी ब्रह्म का बोध करा जाता है, वेदांत की प्रवृत्ति होती है। अपि कहने से क्या होगा, अतत व्यावृत्ति रूप से भी वेदांत की प्रवृत्ति और साक्षात विधि मुख से भी वेदांत की प्रवृत्ति होती है। दो प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान के लिए प्रवृत्ति होती है, किसकी प्रवृत्ति, वेदांत वाक्यों की, ठीक है। आगे लिख दिया देखो टीका में, वेदांतानां, वेदांत कौन है यहाँ पर, वेदांत शब्द का मुख्य अर्थ तो उपनिषद है, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत का मुख्य अर्थ तो उपनिषद प्रमाण है, समझ में की बात। और उसके जो व्याख्यान रूप है, गीता है, भागवत है, रामायण है, ये सब के सब क्या है, ये वेदांत का व्याख्यान होने से उसको भी वेदांत बोलते हो, लेकिन वास्तविक तो वेदांत का अर्थ क्या है, उपनिषद, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, लग गया। ऐसे वेदांत उपनिषद वाक्य की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का अर्थ प्रवर्तनम, मतलब क्या है, प्रतिपादनम, ब्रह्म का प्रतिपादन होता है ना, किसका प्रतिपादन, ब्रह्म का, इलकदा ब्रह्मणी, ब्रह्म के विषय में ये प्रतिपादन होता है वेदांत वाक्यों का। इति शेष, ब्रह्मणी ऐसे शब्द का प्रयोग कर लो, अध्याय कर लो, कहाँ पर, श्लोक में, कहाँ पर करेंगे, वेदांतानाम प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति के बाद ब्रह्मणी, ऐसा है, ब्रह्म के विषय में वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार, इले द्विधा, दो प्रकार क्या क्या हुई, ये तो अतत व्यावृत्ति, दूसरी है साक्षात विधि मुख। ऐसा किसने कहा, आचार्य ने कहा, आचार्य भाषितम, आचार्य ही भाषितम, लग गया। आगे चलो 88 नंबर, ननु वेदांतानां अतत व्यावृत्या, अरे भाई वेदांत वाक्य से तो सबकी व्यावृत्ति हो गई, हैं, क्या हो गई, सबकी व्यावृत्ति, व्यावृत्ति होगी ब्रह्म से अतिरिक्त, तब जाकर के ब्रह्म का बोध होता है, ये कहते हो नहीं, ये कह रहे ब्रह्म बोधकत्वांगीकारे, है ना। तो वेदांत से, वेदांत तो ब्रह्म का बोध हो गया कि नहीं, हाँ, लेकिन किस रूप से बदल दिया, अतत व्यावृत्ति से, हैं। तो ऐसा स्वीकार करने पर ये बताओ, अहम शब्दार्थस्य कूटस्थस्यापि, भाई अहम शब्द का अर्थ कौन है, ये कूटस्थ है वो, तो उसका भी त्याग हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, वो तो ब्रह्म से अतिरिक्त है वो, ऐसा मान करके बोल रहा है पूर्व पक्ष, कूटस्थ ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, लेकिन मान करके बोल रहा है। अहम शब्द का अर्थ क्या है, कूटस्थ चेतन, अधिष्ठान चेतन, साक्षी चेतन, निर्विकार चेतन, ये हो गया कूटस्थ, उसका भी त्याग हो गया कि नहीं, हाँ, क्या कहने से, अतत व्यावृत्ति, हाँ, नेति नेति के द्वारा उसका भी निषेध हो गया, अहम शब्द का अर्थ जो है कूटस्थ, तो त्याग हो गया। तब तो फिर अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है, हाँ, तो उसका जो है ज्ञान कैसे होगा बताओ, वाक्यार्थ बोध तो नहीं हो पाएगा, क्यों, हाँ, देखो कैसे, अहम ब्रह्मास्मिति सामानाधिकरण्य ना, देखो दोनों में सामानाधिकरण्य है, एक अहम हो गया प्रथमा का एक वचन, दूसरा शब्द हो गया ब्रह्म, प्रथमा का एक वचन है कि नहीं, अहम असमत का अहम, ब्रह्म का ब्रह्म, दोनों में क्या है, सामानाधिकरण्य बोलते हो, सामानाधिकरण्य क्या होता जानते हैं, ऐसा नहीं,
दो शब्द हो और पर्यावाचक ना हो, ठीक है ना। अपर्याय शब्दानाम शब्दानाम है, नहीं 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 ऐसा नहीं। भिन्ना प्रवृत्ति निमित्तकत्व सति, ये लक्षण होता है। भिन्ना प्रवृत्ति निमित्तकत्व सति एकार्थ बोधकत्वम समानाधिकरण्यम। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकत्व सति एकार्थ बोधकत्वम, हो गया कि नहीं। अरे भाई देखो, दो शब्द हो और दोनों का प्रवृत्ति निमित्त का धर्म अलग अलग हो, बराबर है कि नहीं। हाँ, जैसे केदार नीलम उत्पलम, नीला शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, नीलत्व गुण, और उत्पल का उत्पलत्व हो गया, तो प्रवृत्ति निमित्त का अलग अलग धर्म है कि नहीं। लेकिन एक अर्थ को बोध कर रहा है, कौन, नीला उत्पल, नील विशिष्ट जो उत्पल है, दोनों में क्या होगा, समानाधिकरण हो जाएगा, कहाँ पर, नीला और उत्पल में, कि नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म शब्द का अर्थ तो परमात्मा हो गया, कि नहीं, और अहम शब्द का जो अर्थ था उसका तो आपने निराकरण कर दिया और रहा नहीं कुछ, तो दोनों में समानाधिकरण कैसे होगा। हाँ, इसलिए बोलते हैं ज्ञानम न उदेतम अरति, इसलिए जो अहम ब्रह्मास्मि जो है दोनों में तो समानाधिकरण नहीं होता है, ठीक है नहीं। और अतत व्यावृत्ति से तो भाई अहम अर्थ का ही बाद हो गया, निराकरण कर दिया, तो हाँ दोनों में समानाधिकरण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानम न उदेतम अरति, ज्ञान को उत्पन्न ये महावाक्य नहीं कर सकता है। इति संकते, इस श्लोक में शंका भी किया जाता है और उत्तर भी दिया जा रहा है, दोनों है 88 नंबर में। अहमर्थ परित्यागा, अहमर्थ परित्यागा, दहम ब्रह्मेति धीः कुतः, दहम ब्रह्मेति धीः कृतः, नैव मंसस्य हि त्यागो, नैव मंसस्य हि त्यागो, भाग लक्षणयोदितः, देखो नारायण बोलते हैं अहमर्थ परित्यागात। अपन नेति नेति बोल दिया कि नहीं, तो नेति नेति निषेध वाक्य के द्वारा नहीं, निषेध मुख से अहम शब्द का जो अर्थ है कूटस्थ, उसका तो परित्याग हो गया। तो परित्याग जब हो जाएगा तो अहम ब्रह्म इति धीकुतः, फिर अहम ब्रह्म यह महावाक्य है, इस महावाक्य से धी मतलब क्या, ज्ञान कुत मतलब कैसे होगा बताओ, नहीं हो सकता है। यहाँ तक हो गई शंका, समझ में आया। है तो जिज्ञास हुए, पूछने वाला बड़ा जिज्ञास हुए, इसलिए उसका समाधान करना चाहिए। और कोई परीक्षा ले रहा है गुरु जी की, तो जाओ फिर हम, हाँ हम तुम विद्वान हो गई जाओ, तो उनको उत्तर नहीं देना चाहिए क्या, यदि आचार्य जी की परीक्षा ले रहे तो हैं। हाँ पूछता तो है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से पूछता है, अन्याय से पूछता है, तो उत्तर नहीं देना चाहिए। जड़वाद लोकम आचार्य, ज्ञानी को जड़ बन जाना चाहिए, उस टाइम बोलना नहीं चाहिए मतलब। और उसके साथ भी कुतर्क कर रहा है, तब तो ये भी अभिमानी मानना पड़ेगा क्या। कोई मान लीजिए अन्याय से पूछता है और उसके साथ फिर आप वाद विवाद करते हो, तो वाद विवाद करने वाला भी अभिमानी है, वाद विवाद कुछ करना नहीं चाहिए। हाँ जिज्ञास रूप से यदि प्रश्न पूछता है तो जरूर उत्तर दो, समझ में कि नहीं। चलो नैवम अंशस्य हि त्यागो, नैवम मतलब तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं है, मतलब तुम्हारा आक्षेप ठीक नहीं है, है ना। तुम जो कहते हो ना ज्ञान नहीं हो पाएगा हम ब्रह्मास्मि से, बोलता है नहीं होगा, क्यों, देखो ये जो नेति नेति के द्वारा जो है ना, ये पूरा त्याग नहीं होता है अहम अर्थ का। ये अहम ब्रह्मास्मि में भाग त्याग का लक्षण है, क्या है, क्या गिर गया, कोई गिरने दो कोई बात नहीं,
आम ब्रह्म जैसे तत्तमस्य में भाग त्याग लक्षण हुई, जहत अजत लक्षण हुई, इसी प्रकार आम ब्रह्मास्मि में भी क्या है, भाग त्याग लक्षण है। ठीक है, हाँ, तो अहम शब्द का जो अर्थ होता है जीव है, अहम शब्द का वाचार्थ क्या होता है, जीव है ना, है कि नहीं। तो जीव में क्या आ गया, अंतकरण भी आ गया, और अंतकरण में प्रतिबिंबित चेतन चिदाभास भी आ गया, उसका भी निषेध कर दोगे कि नहीं। अंतकरण भी दृश्य है, अंतकरण में प्रतिबिंबित वो भी दृश्य है, ये आत्मा नहीं है, तो क्या रहेगा उसमें, उसमें अधिष्ठान अंश रहेगा, क्या रहेगा, अधिष्ठान रहेगा, उसका त्याग नहीं कर सकते, वही तो तुम हो, समझ में कि नहीं। ये कह रहे देखो, अंश से ही त्याग है, ये मतलब क्योंकि, क्योंकि जो अंश है, कौन अंश जानते हो, हाँ अध्यस्त अंश कि नहीं, ये अध्यस्त ना है, अंतकरण अध्यस्त है, तो अंतकरण में प्रतिबिंब वो भी अध्यस्त है, कहाँ पर अध्यस्त होगा, अधिष्ठान है कि नहीं, क्या इसलिए अहम कहने से यहाँ पर चेतन अंश भी है, शुद्ध चेतन अंश भी है, और अंतकरण विशिष्ट चिदाभास भी है कि नहीं। अविवेक से दोनों मिला जुला खिचड़ी की तरह है, अविवेक से दोनों में क्या हो गया, अध्यास हो गया है, किस किस का मालूम है, चिदाभास और अधिष्ठान चेतन का, समझ में कि नहीं। इसलिए चिदाभास जो दृश्य है, विचार थोड़ा शांत होकर के विचार करेंगे तो वो जो है ना वो भी भासता है, कौन, चिदाभास, समझ में आया। जैसे कह दिया अहम पुस्तकम जानामि, आप किसको जान रहे हो, अहम को भी जान रहे हो, चिदाभास को भी जान रहे हो, अहम सुखी बोलते कि नहीं, सुख को भी जानते हो, सुख वाले को भी जानते हो, दोनों भासता है, क्या सुख भी भासता है और सुख वाला चिदाभास भी भासता है, मैं दोनों का प्रकाशक, सुख का भी और सुखी वाले का भी प्रकाशक, ना स्वरूप में ना कोई सुख है, ना स्वरूप में कोई दुख है, समझ में, हाँ। इसलिए वो यदि दुखी हो जाए तो दुखीपना का कौन जानेगा, इसलिए आत्मना यदि दुखी भवे, दुखी ना कह साक्षी भवे, भारतीकार बोलते हैं सुरेश्वराचार्य, है ना, समझ में ना, आत्मा यदि दुखी भवे, कौन, स्वरूप आत्मा, साक्षी आत्मा, फिर दुखीपने को कौन जानेगा, हाँ, तो दुखीपना जाना जा रहा है, इसलिए दुखीपना चिदाभास का धर्म है, साक्षी का धर्म नहीं है, ठीक है ना। और उसी सुखीपने को ही बस मेरा धर्म मानते आ रहा, मानते रहो, मानते रहो ये कह रहे हैं, विचार जब करोगे तो अंश से ही त्याग, अंश मतलब क्या, अध्यस्त अंश, अध्यस्त अंश का त्याग हो जाता है, ठीक है, कैसे हो जाता है, अभी भाग लक्षण या उदित, भाग त्याग लक्षण, भाग त्याग लक्षण को भी संक्षेप से बोलते हैं भाग लक्षण, ठीक है ना। ये भाग त्याग लक्षण के द्वारा कहा गया है, उदित अलग पद है, भाग लक्षण या उदित धातु है, बद बद धातु, बद व्यक्तायाम वाची, बद है ना, उसका त प्रत्यय करने पर क्या होगा, उदित मतलब कथित ऐसा कहा गया है, समझ में। इसलिए नेति नेति के द्वारा अहम के संपूर्ण अर्थ का त्याग नहीं होता है, अध्यस्त अंश का त्याग होता है, अधिष्ठान अंश का, अपने स्वरूप साक्षी अंश का त्याग नहीं होता है, ऐसे समझ में। पहले विचार आ गया था कि जीव शब्द का अर्थ क्या होता है, जीव किसको बोलते, तीनों को मिलाकर जीव कहते हैं, कहा पहले अहम अर्थ क्या है, हाँ ओ आया ना, चैतन्यम, हाँ चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च य पुनः चित्छाया लिंग देहस्तो तत्संगो जीव उच्यते, अधिष्ठान, अधिष्ठान में अंतकरण, अंतकरण में होने से चिदाभास है उसमें, तो अंतकरण का त्याग होने से अंतकरण में चिदाभास का भी त्याग हो गया, लेकिन अधिष्ठान का त्याग नहीं होता है, सत अंश का त्याग नहीं होता है, संबित जो चित्त स्वरूप का त्याग नहीं होता है। इसलिए प्रथम प्रकरण में, प्रथम प्रकरण का नाम क्या है,
तत्व विवेक, जो तत्व जो संविद है, साक्षी है, उसका त्याग नहीं होता है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए अध्यस्त अंश का त्याग होता है, अधिष्ठान सत्य अंश का त्याग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि में अहम शब्द का अर्थ का पूरा त्याग होता है, नहीं होता है। ठीक है ना। चलो भाई 88 नंबर टीका में देख लो। अहम शब्दार्थस्य, अहम शब्द का जो अर्थ है सर्वस्य अत्यक्तत्वात्, संपूर्ण अंश का त्याग आप नहीं कर सकते। अरे अपने स्वरूप का त्याग कैसे करोगे, है ना। तो आप ही में दोनों कल्पित है, कौन अंतकरण है, चिदाभास है, उसका त्याग कैसे करोगे। अधिष्ठान का त्याग तो नहीं होगा, अधिष्ठान का त्याग हो जाएगा तो शून्यवाद हो जाएगा फिर, क्या निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता है, बिना साक्षी का भ्रम नहीं होता है, बिना साक्षी से बात का निश्चय कैसे होगा। इसका जब बात करोगे तो बात को प्रकाशित करने वाला जानने वाला कौन होगा, बात समझ में कि नहीं, ऐसा कह रहे हैं। चलो इसलिए कहते हैं मैं एवं, इसलिए संपूर्ण त्याग नहीं होता है, इस अभिप्राय से परिहार कर दिया। दो श्लोक के उत्तरार्ध में नैवम अंशस्य ही त्याग ऐसा कहा। ही मतलब क्योंकि, कहाँ पर ही आया नैवम अंशस्य ही मतलब क्योंकि, टीका ले रहा हूँ, ही यस्मात् कारणात् मतलब क्योंकि, क्योंकि ही मतलब यस्मात् कारण क्योंकि, भाग लक्षणया श्लोक में आया उसका अर्थ है जहद अजहद लक्षणया, है ना। एक नंबर टिप्पणी में दे दिया इसका सारा, जहद अजहद लक्षण क्या होती है देखो, टिप्पणी में दिया है ना बड़ी वाली पुस्तक में, यत्र वाच्य एक देश त्यागे ना एक देश अन्वय तत्र जहद अजहति लक्षणा, ये देखो है ना। जहाँ पर वाच्य होता है ना, वाच्य कौन होता है मालूम है, वाच्य हमेशा विशिष्ट होता है। कोई भी शब्द का अर्थ, कोई भी शब्द का वाच्यार्थ विशिष्ट होता है, क्या समय है। हाँ कोई भी शब्द हो ले लो, ये वेदांत का सिद्धांत है, सुनते हो। कोई भी शब्द हो वेदांत में, सभी का अर्थ वाच्यार्थ कौन होता है, विशिष्ट होता है, कौन होता है विशिष्ट होता है। केवल आत्मा के बाद नहीं है, घट भी ले लो, घट शब्द का अर्थ क्या है, घट शब्द का अर्थ क्या है वेदांत के अनुसार जानते हैं। हाँ हाँ वाच्यार्थ बोल रहा हूँ, घट शब्द का वाच्यार्थ क्या है वेदांत के अनुसार। जानते हैं, आप बोलेंगे जहाँ पर जल वगैरह भरते हो, यही तो कहोगे, लेकिन वो तो कल्पित है, अधिष्ठान के बिना कैसे रहेगा वो। इसलिए वेदांत के अनुसार घट शब्द का अर्थ क्या है, घटावच्छिन्न सत, क्या समय है, घटावच्छिन्न सत, घटावच्छिन्न चित, ऐसा कहा जाएगा। ये वेदांत का सिद्धांत, क्योंकि सारा संसार कल्पित है, क्या सारा संसार क्या है, कल्पित है, कल्पित में अधिष्ठान अंश रहेगा कि नहीं रहेगा। तो घट शब्द का जो अर्थ बोलते हो, जहाँ पर जल भरते हो ना, उसमें भी कोई अधिष्ठान है कि नहीं है, है अंश है कि नहीं है, अधिष्ठान अंश है ना, उसको छोड़कर घट रहेगा। इसलिए घट शब्द का भी अर्थ घटावच्छिन्न सत ही है, घटावच्छिन्न सत। आ गया कि नहीं आया, इसी वगैरह विचार करना पड़ता है। इसी वगैरह आत्मा शब्द का भी अर्थ क्या है जानते हो, आत्मा शब्द का वाच्यार्थ क्या होगा, हैं, अंतकरण में विशिष्ट चेतन है, उसमें भी अधिष्ठान हो। इसलिए प्रतिबिंब से विशिष्ट जो चेतन है, हाँ वो होता है वाच्यार्थ, पूरा मिला करके होता है, ना केवल शुद्ध चेतन, ना केवल प्रतिबिंब, ये वाच्यार्थ नहीं होता है, हाँ पूरा मिला करके वाच्यार्थ होता है। जहाँ पर कह देते हो जीव 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 बोल जाता है आत्मा शब्द का वाच्यार्थ, केवल जीव नहीं उसमें अधिष्ठान अंश भी है, आगे समझ में, ठीक है ना।
लक्षण जब कहेंगे हैं, उसको बात करके जो अधिष्ठान आंसर रहेगा वो लक्षार्थ होता है। इसलिए जितने भी शब्द है सबका लक्षार्थ तो शुद्ध चेतन होता है, आगे समझ में। और वाचार्थ कौन होता है? विशिष्ट होता है। वाचार्थ विशिष्ट है, लक्षार्थ निर्विशेष है। लक्षार्थ निर्विशेष, वाचार्थ विशिष्ट है, ये सिद्धांत है, ये समझना पड़ता है नारायण। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, देखो क्या लिखे हैं, है ना, टीका में दे दिया, यत्र वाच्य एक देश, ये देखो वाच्य कौन हो गया, विशिष्ट हो गया, है ना, उसमें एक देश का त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक देश का त्याग करके त्यागेना एक देश अन्वय तत्र, और दूसरे एक देश दूसरा जो भाग है उसका अन्वय जहाँ पर होता है तो उसको क्या कहते हैं, जहत अजहति लक्षणा। देखो कैसे, जथा सोयम देवदत्त, ऐसा बोल दिया ना, जैसे सोयम देवदत्त, सोयम सह शब्द का वाच्य क्या हुआ, तत्काल तत् देश विशिष्ट से देवदत्त व्यक्ति और अयम कहने से एतत् काल एतत् देश, सुनते हो ना, और उसमें क्या विशेषण का त्याग कर दो तो क्या रहेगा, विशेषण का त्याग करे तो विशिष्ट रहेगा कि सामान्य रहेगा, अरे विशेषण ना हो तो विशिष्ट काय को रहेगा, सामान्य, वो सामान्य जो व्यक्ति है वो एक ही है, लग गया ना। इसी प्रकार स आत्मा तत्तमसी श्वेत के तो, है ना, हाँ ऐसे कह दिया। देखो आगे लिखते हैं, जो तत्तमसी में कह दिया तत् और तम, तत् का वाच्यार्थ कौन हो गया, विशिष्ट, और तम शब्द का वाच्यार्थ कौन है, विशिष्ट, और विशिष्ट में विशेषण रहेगा, रहेगा बोलो ना, उसका आपने त्याग कर दिया, वो वास्तविक आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो कौन रहेगा, अधिष्ठान सामान्य चेतन रहेगा, उसका स्वरूप एक है, लगे ना। जैसे तत् में कहा इसी प्रकार तम में, देखो तथा ही स्वयं देवदत्त इत्यादो तत्ता अंशस्य इदानीम असंभवात हानम, है देखो तत् अंश इदम अंश का आपने त्याग कर दिया, इदम अंशस्य इदमता अंशस्य संभवात असंभवात करो, हैं, इदम अंशस्य तत्ता अंशस्य इदानीम असंभवात हानम से, हाँ ठीक है, क्योंकि तत्ता अंश जो है ना उसमें एकत्व तो नहीं होगा, संभव नहीं है, इसलिए उसका त्याग कर देंगे, है कि नहीं। और इदमता अंशस्य संभवात, इदम अंता इदमता अंश कह दिए ना, तत्ता अंशस्य इदानीम जो तत्ता अंश, हाँ रुको, ठीक है ठीक है ठीक है, जो तत्ता अंश मतलब क्या, पूर्व काल में है, अभी तो वो है ही नहीं, उसका आपने क्या कर दिया, फिर त्याग कर दिया है, और अभी जो सामने है ये तो सामने है ना, इसलिए इसका आप त्याग नहीं कर सकते, सामने जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति है उसका त्याग करोगे, त्याग नहीं करो, लेकिन विशेषण में एकत्व तो नहीं होगा, तत्काल और एतत्काल में एकत्व तो नहीं होगा, इसी प्रकार से है ना, जो है तद देश और इदम देश इसमें भी एकत्व नहीं होगा, इसलिए उसका त्याग कर दो तो कौन रहेगा, कुल व्यक्ति मात्र रहेगा, इसलिए वो व्यक्ति मात्र एक है, हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो आत्मा का शोधन, बाल्यकाल में जो था, जो बाल्यकाल वाला मैं था, अभी मैं क्या हूँ, युवावस्था वाला हूँ, है ना, तो दोनों में क्या हो रहा है, प्रत्यभिज्ञा हो रही है ना, दोनों में एकत्व का बोध हो रहा है, तो कहाँ पर एकत्व है, शरीर में एकत्व है, मन में एकत्व है, इंद्रिय में एकत्व है, कहाँ पर एकत्व है, अवस्था में एकत्व है, कहाँ पर है, हाँ चेतन अंश में एकत्व है, शरीर आदि उपाधि में एकत्व नहीं है, ये विचार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों को मैं जान रहा हूँ, दोनों अवस्था को, अवस्था में होने वाले व्यवहार को मैं जान रहा हूँ, है कि नहीं है, मतलब पूर्व काल में जो मैंने जाना था
बाल्यकाल में, बाल्यकाल को जाना था, वो शरीर को जाना था, अब इसको मैं जान रहा हूँ, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इसलिए जिसको अनुभव हुआ था उसी को स्मरण होगा कि नहीं होगा, है ना, हो गया कि नहीं होगा। इसलिए चेतन एक ही है, बाल्यकाल में जो चेतन था वही चेतन है कि नहीं, दूसरा कोई चेतन है, वही चेतन है। ये क्षणिक विज्ञानवाद का भी निराकरण हो जाता है। क्षणिक विज्ञानवाद ज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, क्षणिक विज्ञान को, तो क्षणिक विज्ञान यदि आत्मा हो जाएगा उसको कौन स्मरण करेगा। बाल्यकाल में जो आत्मा था है कि नहीं, उसको अनुभव हुआ था बाल्यकाल का, और वो यदि अभी नहीं रहेगा तो स्मरण कैसे करेगा कि बाल्यकाल में मुझे अनुभव हुआ था, है ना। चलो आगे भी चलते, अच्छा श्लोक देखो, श्लोक में और क्या है। हाँ, जहाद अजाद लक्षणया अंशस्य अहम शब्दार्थ एक देशस्य, ये देखो अहम शब्द का अर्थ हो गया वाच्य अर्थ, उसमें एक देश कौन होगा, दृश्य जो जड़ है, जड़ा अंशस्य इरित, जड़ अंश का यहाँ पर त्याग कहा गया, ना कुटस्थस्य, है ना। तो आम शब्द का जो लक्षार्थ जो कूटस्थ मतलब जिसमें अध्यस्त है कौन, अहंकार, अहंकार में प्रतिबिंबित चिदाभास, है ना, उसका व्यावर्तन होता है, कूटस्थ का नहीं होता है, लग गया। अतः अहम ब्रह्मास्मीति ज्ञानम उपपद्यते, आम अस्मि पर ब्रह्म ये ज्ञान संभव है। बस भाई मतलब दोनों में जो विरुद्ध अंश है, विशेषण में विरुद्ध है, तो विरुद्ध अंश का त्याग करने पर जो अधिष्ठान शेष रहता है उसमें एकत्व संभव है, हो गया। आगे देखो, अंश त्यागे न बोधना प्रकारम अभिनीय दर्शयति, हाँ तो विरुद्ध अंश का त्याग करके, है ना, बोधन होता है, बोध किया जाता है, इसको अभिनय करके, है ना, प्रक्रिया के द्वारा दर्शयति, दिखाते हैं। देखो अंतःकरण संत्यागा, अंतःकरण संत्यागा दवशिष्टे चिदात्मने, दवशिष्टे चिदात्मने अहम् ब्रह्मेति वाक्येन, अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते, ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते अंतःकरण संत्यागा दवशिष्टे चिदात्मनि अहम् ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्षते। अच्छा भाई, अंतःकरण संत्यागात, अंतःकरण का संपूर्ण आप त्याग कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि आप उससे भिन्न हो, आप संप्रकाश हो, अंतकरण से प्रकाशित आप नहीं होते, अंतकरण आपसे प्रकाशित होता है, है ना। इसलिए अंतकरण का संत्याग हो सकता है, ठीक है नारायण। अंतकरण का त्याग कर दिया, है ना, तो अंतकरण में चिदाभास रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, लेकिन अधिष्ठान रहेगा, और रहेगा, आप तो रहोगे ना। अवशिष्ट चिदात्मने, ये अवशिष्ट कौन रहा, चित स्वरूपात्मा रहा, है कि नहीं, ये कहते हैं। अहम ब्रह्मेति वाक्येन, इसलिए क्या हुआ, अहम ब्रह्मास्मि परम ब्रह्म जो महावाक्य है, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्मत्वम, इसलिए ब्रह्मत्व कहाँ पर है, चिदाभास में नहीं है ब्रह्मत्व, जहाँ पर चिदाभास को ब्रह्म कहते हो, अपने को चिदाभास समझ रहे हो, अरे मैं ब्रह्म हूँ, वो तो उपासना हो, ब्रह्म रूपता चिदाभास में नहीं है, ब्रह्म रूपता का एकत्व किसके साथ नहीं है, चिदाभास के साथ नहीं है, किसके साथ है, साक्षिणी इच्छते, जो साक्षी है कौन, अंतकर्ण, अंतकर्ण प्रतिबिंबता का जो अधिष्ठान है, प्रतिबिंब का जो अधिष्ठान है, प्रकाशित करने वाला है, ऐसा जो साक्षी है वो साक्षी ब्रह्म है, चिदाभास ब्रह्म नहीं है। बस में ये चिदाभास कहाँ रहता है, स्वप्न में जाएंगे तो चिदाभास रहता ही नहीं है, तो हेलो ये चिदाभास कहाँ रहता है भाई,
कहाँ रहता है चिदाभास? रहता नहीं, स्वप्न में दूसरा चिदाभास भासता है। तब अरे स्वप्न में खा पी कर स्वप्न देख रहे हो, ये चिदाभास है क्या? नहीं है वो, वहाँ पर एक मोटा पतला शरीर दिखता है, उसी को मैं मानते हो? तब विचार तो करो। ये ऐसे ही पड़ा रहता ही है, हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे समझना पड़ता है। चलो है ना, ब्रह्मत्वं साक्षिणिक चते, इले साक्षी में ब्रह्म रूपता है, चिदाभास में ब्रह्म रूपता नहीं, ये विचार करना पड़ता है, ठीक है ना? ऐसा है, अंतकरण का संपूर्ण त्याग जब कर देंगे तो क्या रहेगा भाई? चिदाभास शेष रह जाता है ना? यही आम रस में जो परब्रह्म है, जो शेष रहता हुआ जो साक्षी है ना, शेष कौन रहा? वो साक्षी रहा, वही चेतन है, उसी चेतन में ही ब्रह्म रूपता का ज्ञान कराता है कौन? महावाक्य, है ना? ऐसा है। इस बगैर ज्ञान का जब अभ्यास करेंगे आप, ज्ञान का अभ्यास करते करते है ना, जब आत्मतत्व लक्षित हो जाता है, वो साक्षी ही मेरा स्वरूप है, ज्ञान का अभ्यास करते करते, ठीक है, ठीक से समझो। अरे ज्ञान का अभ्यास करते करते जब आत्मतत्व लक्षित हो जाता है, वो जो साक्षी है वही आत्मा, वही मैं हूँ, आगे समझ में? तब क्या होगा? तब मन बाधित हो जाएगा। मन क्या होगा? अंतकरण भी बाधित हो जाएगा, क्योंकि मन कल्पित है ना। मन क्या है? कल्पित। तब मन कल्पित होने से क्या अधिष्ठान रूप हो जाएगा, मन भी अधिष्ठान स्वरूप हो जाएगा, मतलब मन की अतिरिक्त सत्ता ब्रह्म से नहीं रहेगी, समझ में कि नहीं? है ना, यही मांडविक आदि में विचार किया जाता है कि नहीं? ऐसा है, इसलिए माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, क्योंकि ये मन भी माई का है कि नहीं? आप जो अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब मन के भी अतिरिक्त सत्ता नहीं रहेगी, तो मन भी ब्रह्म रूप हो गया, और मन का धर्म भी क्या, वो भी ब्रह्म रूप हो गया, आगे समझ में? इसलिए ज्ञानी के लिए सब बाधित हो गया, मन भी बाधित, मन का धर्म भी बाधित हो गया, उसी स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हो ना। मन के द्वारा सारा व्यवहार होने पर भी वो ज्ञानी जानता है ना, मन की अतिरिक्त सत्ता है ना, मन में होने वाले धर्म की अतिरिक्त सत्ता है, ऐसे ज्ञानी को कैसे पहचानोगे? पहचान नहीं सकते आप, कैसे पहचानोगे? आप तो शरीर को देखोगे, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, यही देखोगे ना, उसके स्वरूप के, उसकी स्थिति को आप कैसे जानोगे? ये शारीरिक व्यवहार को देख करके नहीं जाना जाता है। हाँ इतना जरूर है, उनके प्रति आपकी श्रद्धा हो रही है, बस उसी का आप आश्रय लो, उसी के सन्निधि में रहो, तब आपको कल्याण होगा, यही उपाय है, और कोई उपाय तो है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।